हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अर्चना है और आज मैं कच्चे आम की सब्जी बनाने जा रही हूँ। सब्जी की रेसिपी लेकर आई हूँ। कच्चे आम की सब्जी यानी कि खट्टा मीठा सब्जी गुड़ और चीनी डालकर यानी कि गुड़ चीनी और कुछ स्पाइसेस डालकर इसे हम खट्टा मीठा सब्जी बनाएंगे। इसे हम सब्जी या चटनी किसी भी तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। यह खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होता है और हेल्दी भी होता है। आम की सब्जी बनाने के लिए हमें आम चाहिए और आम मैंने थोड़ा इकट्ठा कर लिया है और इस सबसे पहले इसको छीलकर तैयार करेंगे। एक आम मैं आपको छीलकर दिखा देती हूँ। इस तरह से हमें छीलकर तैयार करना है। इसे किस तरह से टुकड़ों में काटना है। इस तरह से आपको छीलना है और उसके बाद इसे दो टुकड़ों में काटना है। बीज अंदर से निकाल देंगे। आप देख सकते हैं कि इसका बीज अभी बहुत ही छोटा है। इसमें सेल नहीं बना है, इसमें कोसा नहीं बना है। कोसा वाले आम का भी बना सकते हैं और बिना कोसा का भी बना सकते हैं। दोनों का स्वाद बहुत ही अच्छा होता है। तो इस तरह से हम छीलने के बाद टुकड़ों में काट लेंगे। इस तरह से हम छीलकर टुकड़ों में काटकर सारा इकट्ठा कर लेंगे। सारे आम को छीलकर तैयार कर लिया है, टुकड़ों में काट लिया है और काटने के बाद एक बार पानी से धो दिया है। अच्छी तरह से साफ हो गया है। अब हम इसको पकने के लिए चढ़ाएंगे। पकाने के लिए सबसे पहले हम तड़का डालेंगे और तड़का के लिए एक चम्मच पाँच फोड़न ले लिया है। पाँच फोड़न में जीरा, सौंफ, अजवाइन, मेथी, कलौंजी सब मिक्स होता है, तो एक चम्मच ले लिया है। और चार लाल मिर्च और दो तेजपत्ता। एक पैन लें जिसमें आपको सब्जी बनाना है और उसमें चार से पाँच चम्मच करीब सरसों तेल डाल दें। जैसे ही तेल गर्म हो जाए इसमें तड़का डाल दें। सबसे पहले तेजपत्ता, फिर लाल मिर्च और फिर पाँच फोड़न। जैसे ही तड़का पक जाए इसमें आम को भी डाल दें। इसके साथ ही नमक हल्दी डाल दें। एक से डेढ़ चम्मच हल्दी डाल देंगे, आधा चम्मच नमक। ढककर तब तक पकाएंगे जब तक यह अच्छी तरह से पककर तैयार ना हो जाए। बीच बीच में चलाते रहेंगे जब तक यह पकता है। इस बीच हम इसके लिए मसाला तैयार करेंगे। एक चम्मच पाँच फोड़न लेंगे और एक चम्मच साबुत धनिया लेंगे। चार लाल मिर्च लेंगे और इन सभी को गर्म करके पीस कर तैयार कर लेंगे। दो मिनट में आम पक चुका है, गलकर तैयार हो गया है। तो अब हम इसमें डालेंगे गुड़। जैसे कि आधा किलो मैंने आम लिया है तो आधा किलो इसमें गुड़ डालेंगे। आधा किलो गुड़ इसमें तोड़ कर डाल देंगे। मैंने पहले से तोड़ कर रखा हुआ है तो अब हम इसमें डाल देंगे। अगर आपके पास गुड़ ना हो तो चीनी में भी बना सकते हैं, लेकिन गुड़ में बहुत ही स्वादिष्ट बनता है और हेल्दी भी होता है। इतना डालने के बाद इसे पकने देते हैं और लास्ट में एक बार चेक कर लेंगे। अगर खट्टा लगेगा, अगर कम मीठा रहेगा तो थोड़ा गुड़ और डाल देंगे। खट्टी-मीठी के लिए आम की सब्जी के लिए मसाला तैयार करेंगे। चार से पाँच लाल मिर्च डाल देंगे और पाँच फोड़न, एक चम्मच साबुत धनिया। जैसे ही ठंडा हो जाएगा इसको पीस कर पाउडर तैयार कर लेंगे। मसाला भी मैंने पीस कर तैयार कर लिया है। देख सकते हैं बहुत महीन नहीं किया है। इसी तरह से आपको मसाला को पीसना है। एक चम्मच मसाला डाल देंगे। एक बार इसकी मिठास को चेक कर लें। अगर कम लगे मीठा, अगर कम लगे तो थोड़ा सा गुड़ और ऐड करें। अब हम धीमी आंच पर एक मिनट पकाएंगे और उसके बाद गैस ऑफ कर देंगे। आम की सब्जी या खट्टी-मीठी जो भी कहे बनकर तैयार हो चुकी है। इसी तरह से आम की सब्जी आप अपने घर पे बनाइए।
अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और लेटेस्ट रेसिपी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।